हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th की मैथ में आपका स्वागत है। तो देखिए आप लोगों को आज हम बताएंगे अंतराल क्या होता है, ठीक ना। अंतराल आर के मैंने वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब वास्तविक संख्याओं का जो उपसमुच्चय होता है उसको अंतराल के रूप में आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अंतराल होता क्या है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर अनेक प्रकार के अपरिमित समुच्चय को अंतराल रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब जो वास्तविक संख्या होता है उसको संख्या रेखा पर हम लोग कई प्रकार से क्या कर दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, उसको समुच्चय को। जैसे देखिए ये संख्या रेखा है आपका, ठीक है ना। देखिए ये पहला आपका है खुला अंतराल, दूसरा बंद अंतराल, तीसरा खुला बंद अंतराल, चौथा बंद खुला अंतराल, ठीक है। आप देखिए जैसे मान लीजिए ये अंतराल है, आप तो जानने रहे कि यहाँ जीरो होता है, ठीक ना। चलिए छोड़िए, इस अंतराल में कोई दो बिंदु ले लिया, ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है ना। इधर ये प्लस इंफिनिटी है और इधर माइनस इंफिनिटी। चलिए इधर देखिए, हमको इस संख्या रेखा पे कोई दो बिंदु हम ले लिए, ठीक ना। अब ये दो बिंदुओं के बीच, ठीक ना, जितनी वास्तविक संख्या है ए, मतलब जितनी वास्तविक संख्या होंगी यानी ए और बी के अंतराल में पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये चार प्रकार का होता है, ठीक है। जब खुला अंतराल का मतलब क्या होता है कि ए को छोड़ दिया जाता है, ए को छोड़ दिया जाता है, जैसे ए को यहाँ पर हम ये बिंदु ए को छोड़ देंगे और बिंदु बी को छोड़ देंगे और बाकी जितने अवयव हैं, जितने वास्तविक संख्या है सबको अगर हम देख लें, ठीक ना, तो उसे हम कहते हैं खुला अंतराल, ठीक है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, अर्थात इसको ऐसे दिखाते हैं, देखिए खुला अंतराल जो होता है इसको ऐसे दिखाते हैं ए बी, ठीक है, सच ए बी बराबर होता है यस सच दैट यस बिलोंग्स टू आर है, मतलब यस क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, और ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक ना, ए से बड़ा और बी से छोटा है। उसी तरह से अब देखिए बंद अंतराल में क्या होता है कि बंद अंतराल में सबको ले लेते हैं, यानी देखिए ये बंद अंतराल है ना, जिसमें मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक ना, इधर प्लस इन्फिनिटी है इधर माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या करते हैं कि ए को भी ले लेते हैं और बी को भी ले लेते हैं, इसके अंदर जितनी संख्या, इसके अंतराल में जितनी संख्या होती है सबको ले लिया जाता है, ठीक ना, इसके अंतराल में जितनी संख्या है सबको ले लिया जाता है और ए और बी दोनों को शामिल कर लिया जाता है, तो वो होता है बंद अंतराल। और इसको हम दिखाते हैं ऐसे, बंद अंतराल बराबर ऐसे होता है बड़ा कोष्ठक में ए बी ऐसे होता है, ए बी बराबर होता है, ठीक ना, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और यक्स का जो मान है, ठीक ना, ए से बड़ा और बी से छोटा और बी के बराबर और ए के बराबर लेते हैं, यानी इसमें बराबर लिया जाता है, यानी इसको सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक ना। जैसे तीन और चार है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि तीन और मान लीजिए 10 है, ठीक ना, तो अगर बंद अंतराल में है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लेंगे, ठीक ना। और यही खुला अंतराल है, मान लीजिए कि अगर ऐसे 3 और 10 है तो 3 और 10 को छोड़ करके उसके 3 के बाद यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 को लेंगे, ठीक ना, और 10 को 3 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये खुला अंतराल है, बंद अंतराल में संख्याओं को लेकर चलते हैं और खुला अंतराल में उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ क्या देखा, खुला बंद अंतराल मतलब एक तरफ से खुला हो और एक तरफ से बंद हो, ठीक ना, यानी इसका मतलब कैसे, अगर हम जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक ना, ये ए है और ये बी है। अब देखिए जैसे मान यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। अब देखिए अगर हम ए को खोल दें, यानी ए को खुला छोड़ दें और बी को ले लें और इसके बीच जो संख्या है सबको ले लें हम, तो इसे बोलते हैं क्या, खुला बंद अंतराल, यानी इधर से ए खुला रहेगा और बी ऐसे बंद रहेगा। हम इसको लिखेंगे यस सच दैट यस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक ना, और ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी बी के बराबर लेंगे और ए के बराबर नहीं लेंगे, ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बंद खुला, यानी इधर से बंद रहेगा और इधर से क्या रहेगा, खुला रहेगा, इधर से खुला रहेगा अंतराल, ठीक ना, ऐसे रहेगा।
ये बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल का मतलब कि पहले बंद रहेगा और बाद में खुला रहेगा, यानी इसको ऐसे लिख देंगे ऐसे, बंद इधर से रहेगा और इधर से क्या रहेगा, खुला रहेगा ऐसे, इसको खुला अंतराल। कोष्ठक जो होता है ऐसे, छोटा कोष्ठक को खुला अंतराल बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक जो होता है उसको बंद अंतराल बोलते हैं। अभी हो गया आपका, इसको लिखेंगे यस यस सच दैट, यस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और यस इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू यस और लेस देन बी, ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग अंतराल की लंबाई, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बंद अंतराल ए बी है, ठीक है, या खुला अंतराल है, ये बंद अंतराल ए बी है, फिर खुला बंद अंतराल, फिर बंद खुला अंतराल की जो लंबाई होती है, लंबाई बी माइनस ए होती है, होती है, ठीक है। यानी जैसे अगर आपको 3 और 10 ले लिया जाए, ठीक है, चाहे बंद अंतराल हो चाहे खुला, कौन अंतराल हो, ठीक है, इसकी लंबाई, अंतराल की लंबाई पूछा जाए, अंतराल अंतराल 3 से 10 की लंबाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी बराबर 7 हो जाएगा, यानी इसकी अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है, घात समुच्चय। देखिए आप लोग को उप समुच्चय बताया गया था, ठीक है ना, तो उप समुच्चय ही घात समुच्चय है, समझिए, उप समुच्चय को अगर फिर समुच्चय में हम लिख दें तो होता है घात समुच्चय, ठीक है ना। यानी यदि यदि किसी समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का, उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, उप समुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे जैसे अगर a बराबर मान लीजिए कि 2,3 है, ठीक ना, तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे बताइए। कल आपको बताए थे अगले वीडियो, पिछले वीडियो में, उप समुच्चय अगर लिखना हो तो 5 सबका औपचारिक समुच्चय, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 2,3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, ये उप समुच्चय होगा। तो a का घात समुच्चय हो जाएगा, a का घात समुच्चय। देखिए घात समुच्चय को हम लोग पी ए से दिखाते हैं, यानी पावर से पी ए लिख देते हैं ऐसे ना। तो इसी को जो उप समुच्चय है ना, इसी को ऐसे समुच्चय में अगर हम ऐसे बना दें, यानी समुच्चय में बना दें हम इसको, यानी समुच्चय में बना दें अगर हम लोग, यानी जो उप समुच्चय है उसको फिर समुच्चय में लिख दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, उसी को घात समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। यानी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, मैंने सभी उप समुच्चयों को लिख दीजिए और फिर उसका समुच्चय, उसको समुच्चय में लिख देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, घात समुच्चय हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको। चलिए देखिए घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक ना, जैसे देखिए यदि यदि समुच्चय यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यन हो तो उसके घात समुच्चयों की संख्या, उसके घात समुच्चयों की संख्या 2n होती है, ठीक ना, 2n होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे समुच्चय a बराबर दिया है और 2,3 है, ठीक ना, में घात समुच्चय में से घात समुच्चय के अवयव संख्या,
घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। जैसे देखिए इसका घात समुच्चय में अवयव संख्या, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या n बराबर 2 है, ठीक ना। अवयवों की संख्या क्या दिया है? अवयवों की जो संख्या है n बराबर दिया है आपका, संख्या n बराबर 2 दिया है, ठीक ना। तो घात समुच्चय के अवयवों की संख्या हो जाएगी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 2n, यानी 2n का मान 2 आया है, 2 रखेंगे यानी 4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। यानी किसी घात समुच्चय में अगर अवयव जितने दिया है, कोई समुच्चय दिया है, अगर उसके अवयवों की संख्या यार है तो उसके घात समुच्चयों की संख्या 2n होती है, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम लोग देखेंगे समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। देखिए कोई मान लीजिए कि दिया हुआ समुच्चय है, ठीक ना, दिए हुए उप समुच्चयों का जो निश्चित एक समुच्चय होता है उसे हम लोग समष्टीय समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। दिए गए, देखेंगे कि दिए गए सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? समष्टि समुच्चय, ठीक ना, समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, दिए गए सभी उप समुच्चयों का समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाता है। जैसे, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि समुच्चय दिए हो कोई, ठीक है, जैसे समुच्चय a, b दिया हो, ठीक है, फिर दिया हो bcd दिया हो, ठीक ना, फिर मान लीजिए कि e, f, g दिया हो, ठीक है, ये उप समुच्चय। अगर मान लीजिए कि ये सब उप समुच्चय दिए हो, ऐसी काम कोई बड़ा समुच्चय बना लें, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय बनाते हैं ना। यानी जैसे देखिए अब सबका समुच्चय को मिला दीजिए तो a, b, c, d, ठीक ना, e, f, g, ये क्या हो गया? देखिए इस ये जो समुच्चय है इसका सब उप समुच्चय है कि नहीं है? इसका ये भी उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय, और सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। जो बड़ा समुच्चय होता है इसे हम लोग इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे संबंधित आप लोगों को हम कल सवाल बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।